अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ्रिया खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। आज फिर मैं हाज़िर हूँ डॉन एडिटोरियल के साथ। फर्स्ट चैप्टर 2020 का ये एडिटोरियल है। टाइटल पैराग्राफ है रिलीफ फोर्स। ठीक है, ये एक फोर्स की बात कर रहा है जो कि हम लोगों के जो इमरान खान है उसने एक कोरोना रिलीफ टाइगर्स के नाम के ऊपर एक वॉलंटियर फोर्स बनाई है। ये पूरा एडिटोरियल इसके ऊपर ही है। चलें इसे स्टार्ट करते हैं। कह रहा है अर्जेंसी इज़ द नीड ऑफ द आवर। अर्जेंसी का मतलब क्या होता है? अर्जेंसी का मतलब होता है फौरी ज़रूरत, जो चीज़ फौरी तौर पर चाहिए हो। इस टाइम क्या है, अर्जेंसी क्या बन चुकी हुई है? वो बन चुकी है नीड ऑफ द आवर। नीड ऑफ द आवर का मतलब होता है नेसेसिटी ऑफ द टाइम, मतलब इस टाइम बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ जो है वो अर्जेंसी की बेस पे हो रही है। आगे कह रहा है टू फाइट, फाइट करना अ पेंडेमिक को, एक वबा को, दैट इज़ स्प्रेडिंग, जो कि फैल रही है। किस तरह? लाइक प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है, वाइल्ड फायर, जंगल में आग की तरह। ठीक है, वाइल्ड फायर का मतलब होता है जंगली आग की तरह। एंड टू मिटिकेट, और कम करना किस चीज़ को? इट्स इम्पैक्ट, इसके असर को। यहाँ पे ये जो इट्स है ये पेंडेमिक की बात कर रहा है, कोरोना वायरस पेंडेमिक की। ठीक है, उसके असर को कम करना। अच्छा, असर किसके ऊपर हो रहा है? ऑन प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है, उसके सिटीजन्स पे। गवर्नमेंट नीड, गवर्नमेंट्स को ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है? टू फैशन, फैशन करने की। यहाँ पे जो फैशन है ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब होता है फॉर्म करना, शेप देना, किसी चीज़ को मोल्ड करना। ठीक है, अब ये फैशन किस चीज़ को करना है? रिस्पॉन्स को है। ये उन रद्द अमल को है जो रिसीव हो रहा है। ठीक है, अब ये उसके बारे में बता रहा है, दैट मेक, जो कि कर रहा है क्या? मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ प्रेशियस टाइम एंड रिसोर्सेज, जो कि बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है किसका? जो भी हमारा कीमती वक्त है और हमारे रिसोर्सेज हैं उसका। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ का मतलब क्या होता है? मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत इफ़ेक्टिव वे में इस्तेमाल करना। ठीक है, अब इसके पीछे की ग्रामर चेक करते हैं। वो कह रहा है कि फाइट करना पेंडेमिक को, वो पेंडेमिक जो कि फैल रहा है आग की तरह, और इसके असर को कम करना। और असर किस पे हो रहा है? हमारे सिटीज़न के ऊपर जो असर हो रहा है इसका, उसको कम करना। हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ज़रूरत है कि वो मोल करे रिस्पॉन्स को, वो रिस्पॉन्स जो कि क्या कर रहे हैं, हमारा जो कीमती वक्त है और रिसोर्स हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो ग्रीन कलर में है, और जितने पिंक कलर में आपको हाइलाइटेड वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये वर्ब्स हैं। ठीक है, रेजिंग का यूथ वॉलंटियर फोर्स, वो कह रहा है एक रेज करना एक यूथ वॉलंटियर फोर्स को, और फोर्स का नाम क्या है? जिसको कहा जाता है कोरोना रिलीफ टाइगर्स। ठीक है, अब ये कोमा लगा के इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि ये कौन सी फोर्स है। ठीक है, ये कौन सी वॉलंटियर फोर्स है? ये एक मेजर है, एक इकदाम है। ठीक है, कौन सा? फॉर्मली, जो कि ऑफिशियली अनाउंस्ड किया गया था, ऐलान किया गया था जिसका। अच्छा, अनाउंस करने वाला कौन था? बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है ये उन्होंने अनाउंस की थी। ठीक है, और कब की थी? इन हिज एड्रेस टू द नेशन ऑन मंडे, अपने खताब में। ठीक है, अब ये एड्रेस किसके साथ हो रहा था? नेशन के साथ हो रहा था, कौम के साथ, और कब हुआ? ऑन मंडे, मंडे के रोज़। वो कह रहा है कि एक यूथ वॉलंटियर, एक जवानों की एक फोर्स बनाना, ठीक है, और जिसको नाम देना कोरोना रिलीफ टाइगर्स की, टाइगर्स का। अब ये क्या यूथ, ये क्या फोर्स है? ये एक कदम था, ठीक है, जो कि अनाउंस किया गया हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया था अपने खताब में। ठीक है, और ये खताब अपनी नेशन से कह रहे थे मंडे के रोज़। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कैन नॉट बी डिस्क्राइब, इसको बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा, एज लगा के बता रहा है कि किसके तौर पर इसको बयान नहीं किया जा सकता। इस स्टेप को, ये जो इसने फोर्स बनाई है, एज मीटिंग के मतलब ये मीट कर रहा है, पूरे कर रहा है किस चीज़ को? दैट क्राइटेरिया, ये जो एक क्राइटेरिया है, जो मयार है, ठीक है, इन चीज़ों से निमटने का, ये उस चीज़ को पूरा कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये मॉडल वर्ब का पैसिव है। मॉडल वर्ब कैन नॉट, यहाँ पे मॉडल वर्ब कैन का इस्तेमाल किया। ठीक है, उसके बाद ये नेगेटिव लगाया है, कैन नॉट, उसके बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, ये जो मुझे ये बता रहा है कि ये मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर है। उसके बाद
Moreover, مزید وہ کہہ رہا ہے while جبکہ the premier may have the best of intentions. اب یہ premier کی بات کر رہا ہے مطلب جو سب سے اوپر ہے اس time کون ہے prime minister عمران خان کی بات کر رہا ہے کہہ رہا ہے may have مطلب may chances possibilities کی بات کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہو best of intentions مطلب سب سے اچھی intentions ہو ارادے ہوں یہ والی force بنانے کے لیکن وہ کہہ رہا ہے کوما لگا کے the move also sends the wrong message لیکن یہ جو move ہے یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے یہ اور بھی کیا کام کر رہی ہے بی لگا کے بتا رہا ہے سینڈ وہ بھیج رہی ہے کیا بھیج رہی ہے رونگ میسج اچھا اب کس کو بھیج رہی ہے ٹو این اپوزیشن جو اپوزٹ پارٹیز ہیں ان کو یہ غلط میسج بھیج رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ اپوزیشن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ دیٹ فیلز جو کہ فیل کر رہی ہیں محسوس کر رہی ہیں الینیٹیڈ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ الگ الگ فیل کرو کسی دوسری چیز سے ٹھیک ہے اب یہ کس چیز سے الگ فیل کر رہی ہیں بائی دا پی ٹی آئی گورنمنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی سے خود کو الینیٹیڈ فیل کر رہی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے عمران خان ہیں انہوں نے اچھا موو لیا ہو ایک اچھی انٹینشنز کی بیس کے اوپر انہوں نے یہ فورس بنائی ہو لیکن یہ ایک طرح سے ایک غلط میسج بھی پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ان کو غلط میسج پروائیڈ کر رہا ہے جو کہ اپوزٹ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں انڈیڈ بے شک تھا پی 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 ہیز آلریڈی ایکسپریسڈ اٹس ریزرویشنز کہہ رہا ہے کہ بے شک جو پاکستان پیپل پارٹی ہے ہیز آلریڈی ایکسپریسڈ وہ اظہار کر چکی ہے کس چیز کو اظہار اٹس ٹھیک ہے اب اس کے پوسیسیو کیس لگایا ہے پارٹی کا ٹھیک ہے اٹس ریزرویشنز ریزرویشنز کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈاؤٹس ٹھیک ہے وہ اپنے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ڈاؤٹس کو نا اظہار کر چکی ہے ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے ود سینیٹر رضا ربانی سنگھ جو کہ سینیٹر رضا ربانی سنگھ وہ کہہ رہے ہیں ان اے اسٹیٹمنٹ ایک اسٹیٹمنٹ میں ایک بیان میں دیٹ یہ کہ دا موو ووڈ پولیٹیسائز یہ جو موو ہے یہ کیا کر دے گی پولیٹیسائز کر دے گی ٹھیک ہے کس کو نیشنل ایفرٹ کو جو بھی قومی ایفرٹس لگ رہی ہیں کس کے خلاف اگینسٹ کووڈ 19 یہ جو وبا ہے کرونا وائرس کی اس کے خلاف جو ہم ایفرٹس لگا رہے ہیں نا یہ جو موو ہے اس کو کیا کیا سیاسی بنیاد پہ لے آئے گی سیاسی نوعیت کا بنا دے گی ان ایفرٹس کو ہی سجیسٹڈ اب اس نے سجیسٹ کیا دیٹ یہ کہ دا سینٹر ٹیک اے لیو آؤٹ آف سندھ گورنمنٹس بک سینٹر کو کیا کرنا چاہیے سینٹر کو لینا چاہیے اے لیو آؤٹ آف سندھ گورنمنٹس بک اچھا لیو آؤٹ آف کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹیک اے لیو آؤٹ آف یا فرام سم ونز بک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس انسان کو کاپی کرو جو آلریڈی اچھے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے ان کی نظر میں یہ ہے کہ سندھ جو ہے آلریڈی اچھا کام کر رہی ہے تو آپ کیا کریں اس کو کاپی کریں اینڈ فارم اور بنائیں کیا بنائیں محلہ کمیٹیز ٹھیک ہے محلہ کمیٹیز کو بنائیں انکلوڈنگ جس میں شامل ہیں ممبرس آف ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز اچھا اب یہ جو محلہ پارٹی کمیٹیز ہوں گی نا اس میں خالی ایک پارٹی کے ممبرس نہیں ہوں گے اس میں شامل ہوں گے ممبرس جو جتنے بھی ہیں ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اور این جی اوز کے اور جو کہ ورکنگ ان دا ایریاز کام کر رہے ہیں ایریاز میں ویئر ریلیف گڈس آر ریکوائرڈ جہاں پہ جو ریلیف گڈس ہیں جو بھی ضروری اشیاء ہیں ان کی ضرورت ہے ٹو بی ڈسٹریبیوٹ کیے جانے کی یہاں پہ یہ جو ٹو بی پلس ورڈ کی تھرڈ فارم ہے یہ انفینیٹیو کا پیسیو سٹرکچر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر تو اس نے یہ کہنا ہوتا کہ اٹ از ٹو ڈسٹریبیوٹ یہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر اس نے تب تو یہ ٹھیک تھا لیکن اب جب اس نے یہ بات کر رہا ہے کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بی پلس ورب کی تھاٹ فارم استعمال کیا ہے ٹو بی ڈسٹریبیوٹیڈ اب اس کو جوڑتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے سجیسٹ کیا ہے کہ جو سینٹر ہے اس کو بھی کاپی کرنا چاہیے کہ یہ جو سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے جو سٹیپس لیے ہوئے اس نے اور کیا کرے یہ محلہ کمیٹیز بنائیں جس کے اندر کیا ہوں گے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ممبرز ہوں گے این جی اوز ہوں گی جو کہ ورک کریں گی اور پرووائڈ کریں گی ریلیف گڈس کو جس کی ضرورت ہے ڈسٹریبیوٹ کیے جانے کی پرووائڈنگ وغیرہ مہیا کرنا ریلیف ڈیورنگ اے پینڈیمک ٹھیک ہے اب یہ جو ریلیف پرووائڈ کرنا ہے کس کے دوران یہ جو وبا ہے اس دوران تھرو کس کے ذریعے میس ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ٹھیک ہے ڈفرینٹ یہ جو ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشن پوائنٹس بنائے گئے ہیں اس کے تھرو از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک یہ بہت مشکل ٹاسک ہے جیسا کہ ایز سندھ از ڈسکورنگ جو سندھ ہے وہ ڈسکور کر رہی ہے سامنے لا رہی ہے
with hundreds, सैकड़ों जो हैं converging, converge हो रहे हैं. कन्वर्ट कौन के बारे में मैंने पहले बताया था, कौन प्रीफिक्स जहाँ पे भी लगी हो इसका मतलब होता है साथ साथ, और कन्वर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट पे इकट्ठे होना, ठीक है, ऑन द साइड्स जगहों पर डिस्पाइट द अथॉरिटीज़ बेस्ट ऑफर्स, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनकी बेस्ट ऑफ एफर्ट्स जो हैं उसके बावजूद. वो कह रहा है इस टाइम ये जो प्रोवाइड करना है ना रिलीफ, और वो भी इस दौरान पेंडेमिक के दौरान, और किस तरह से थ्रू मैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के ज़रिए, ये बहुत डिफ़िकल्ट है. जो सिंध है वो कह रहा है कि वो डिस्कवर कर रही है, सामने ला रही है, हंड्रेड जो सैकड़ों हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं, एक पॉइंट में मिल रहे हैं ऑन द साइड्स, किसके बावजूद, जो अथॉरिटीज़ की बेस्ट एफर्ट्स हैं उसके बावजूद. मिस्टर रबानीज एडवाइस, मिस्टर रबानी की जो नसीहत थी, अच्छा एडवाइस किसको थी, सेंटर को, इज़ एमिनेंटली प्रैक्टिकल, वो कह रहा है बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सही है. ऑन द ग्राउंड रिसोर्सेज, किसकी बेस के ऊपर, रिसोर्सेज की बेस के ऊपर, सच एज, जैसा कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, कैन बी क्विकली हार्नेस्ड, वो क्या हो सकती हैं, यूटिलाइज की जा सकती हैं, उनको काम पे लगाया जा सकता है. कहाँ, इन द रिलीफ एफर्ट, इस रिलीफ एफर्ट में जो ये जो काम चल रहा है ना वबा के दौरान, वो कह रहा है इसमें ये जो कमेटी और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनको यूटिलाइज किया जा सकता है. हार्नेस का मतलब होता है यूटिलाइज करना, एम्प्लॉय करना. फॉर द फेडरल गवर्नमेंट, अब ये फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, टू नाउ री इन्वेंट द व्हील, अच्छा फेडरल गवर्नमेंट के लिए अब ये जो री इन्वेंट द व्हील करना, री इन्वेंट द व्हील का मतलब होता है कि अपना वक्त और अपनी एनर्जी दोनों को वेस्ट करना, ठीक है. आगे चेक करें, वो कह रहा है अलबेट, अलबेट का मतलब होता है कंजंक्शन है दो अगरचा विद अ मोर कैची नेम, बेशक ये बड़ा कैची नेम उसने रखा है कि ये जो फोर्स का नाम रखा हुआ है, लेकिन ये क्या करेगी, विल टेक अप अननेसेसरी टाइम एंड एफर्ट्स, वो लेगी क्या, गैर ज़रूरी टाइम और एफर्ट्स को, वक्त को लेगी. कह रहा है ये जो फेडरल गवर्नमेंट में एक ये जो न्यू फोर्स की बात कर रहा है, ये जो न्यू फोर्स बनी है, ये बिल्कुल उसकी मान्यता है कि एक री इन्वेंट करना किसी व्हील को, ठीक है, और री इन्वेंट व्हील में क्या है, आप सिर्फ अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और अपनी एफर्ट्स को भी वेस्ट कर रहे हो. टेकअप करने का मतलब क्या होता है, टेकअप समथिंग का मतलब होता है ऑक्यूपाई टाइम स्पेस और अटेंशन, कि इसको इस चीज़ को यूटिलाइज करना, टाइम को स्पेस को और अटेंशन को, ठीक है, और री इन्वेंट द व्हील का मतलब होता है वेस्ट करना. एज जैसा कि इट इज़, ये है क्या, देयर इज़ लिटल क्लैरिटी, वहाँ पे कहता है थोड़ी सी क्लैरिटी, इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसके बारे में, अबाउट हाउ इट कैन ऑर्गेनाइज, ये किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सच अ मैसिव ऑपरेशन, इतना बड़ा ऑपरेशन फ्रॉम द टॉप डाउन, मतलब कि हर लेवल से ये किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. मोहल्ला कमेटीज़ आर अ मोर ग्रैनुलर मैकेनिज़म, जो मोहल्ला कमेटीज़ हैं वो हैं, मतलब वो कह रहा है कि एक मीडियोकर, एक रफ सी मैकेनिज़म है, दैट वुड हैव द लोकल बाय इन, वो क्या करेगी, वुड हैव, वो रखेगी, क्या रखेगी, लोकल बाय इन. लोकल बाय इन का मतलब ये है कि जो लोकली परचेज करेंगे और चीज़ों को ज़खीरा करेंगे, क्रिटिकल, वो ज़रूरी है टू काउंटरिंग, काउंटरिंग का मतलब है जवाब देना किसका, एक्यूजिशंस का, जो अल्ज़ामात हैं, एक्यूजिशन किस चीज़ के हैं, फेवरेटिज़म के हैं, पार्शियलिटी के हैं, एंड इंश्योर और यकीन दहानी करवाना किस चीज़ को, अ मोर सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर को, कि ये एक बड़ा सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर है, इसकी यकीन दहानी कराना. वो कह रहा है कि मोहल्ला कमेटीज़ आर मोर ग्रैनुलर मैकेनिज़म, ये जो है एक मीडियोकर रफ मैकेनिज़म है, लेकिन दैट वुड हैव द लोकल बाय इन, उसके पास क्या होगा, लोकल बाय इन होंगे, ठीक है, और ये जो मैकेनिज़म है ये बहुत क्रिटिकल होगा काउंटर करने के लिए, आंसर करने के लिए एक्यूजिशंस को, अल्ज़ामात को, और ये अल्ज़ामात किस चीज़ के होंगे, पार्शियलिटी के होंगे, और इस बात को भी यकीन दहानी कराना कि आ मोर सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर को, ठीक है, किस चीज़ को इंश्योर करवाना, एक बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक अप्रोच को, प्रोसीजर को. That said, ये के वो कह रहा है आवर सोसाइटी हैज़ बीन इल सर्व्ड, हमारी जो सोसाइटी है उसको इल सर्व्ड किया गया है. सर्व का मतलब होता है खिदमत करना, अभी इल लग गया मतलब इसको गलत तरीके से इसकी इसको सर्व किया गया है. अच्छा किसने सर्व किया, बाय अ सक्सेशन, मतलब एक के बाद दूसरी आने वाली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ने, ठीक है, दैट हैव वॉक्ड एट डिवॉल्विंग पावर टू द ग्रास रूट्स लेवल,
दैट हैव बॉक्ड, वो बॉक्ड कर चुकी हैं. बॉक करने का मतलब क्या होता है? इनकार कर देना. ठीक है, किस चीज़ से ये कर चुकी हैं? डिवॉल्व करने से, ट्रांसफ़र करने से. किस चीज़ को? पावर को, टॉप से लोअर लेवल तक. ठीक है, कहाँ से? टू द ग्रास रूट लेवल्स तक. मतलब वो कह रहा है कि ये जो हमारी सोसाइटी है ये बहुत बुरी तरीके से इनसर्व्ड हुई है. ठीक है, किसने किया इसको? जो एक के बाद दूसरी आने वाली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, और ये वो गवर्नमेंट्स हैं जो कि विलिंग नहीं है पावर को टॉप से ग्रास रूट लेवल तक देने के लिए. ठीक है, डिवॉल्विंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र करना. मतलब दे आर नॉट विलिंग टू डिवॉल्व. ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं करना चाहती और डेलीगेट करना चाहती लोअर लेवल को. द कोरोना वायरस पेंडेमिक इन अ फ्यू टेरिबल वीक्स. कह रहा है ये जो वबा है, पेंडेमिक है कोरोना वायरस की, चंद ही हफ्तों में हैज़ हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस. वो हाईलाइट कर चुकी है किस चीज़ को? इम्पोर्टेंस को, अहमियत को. हाईलाइट करने का मतलब क्या होता है? नज़र खींचना, तवज्जो खींचना. जिस तरह से मैंने ये वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है, मैं आप लोगों की तवज्जो इन वर्ड्स के ऊपर खींच रही हूँ. इसी तरह से ये कह रहा है कि ये जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है वो हाईलाइट कर चुकी है किस चीज़ को? इम्पोर्टेंस को, अहमियत को. अच्छा, किस चीज़ की अहमियत को? ऑफ सच थर्ड टायर गवर्नेंस. थर्ड टायर गवर्नेंस की मतलब क्या है? कि मतलब लोकल बॉडीज़ की, इसकी अहमियत को हाईलाइट कर चुकी है. अब वो कह रहा है लोकल इलेक्टेड बॉडीज़, जो लोकल इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, एम्पावर्ड एंड प्रॉपरली फंडेड, जो एम्पावर्ड भी हों और प्रॉपरली फंडेड भी हों, वुड हैव बीन द लॉजिकल कंट्यूट फॉर नॉट ओनली द रिलीफ एफर्ट बट ऑल्सो कैरिंग आउट अवेयरनेस कैंपेन्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. वो कह रहा है ये जो लोकल बॉडीज़ होंगी ना, वुड हैव बीन, हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं? एक पैसेज. किसके लिए? कंड्यूट का मतलब होता है पैसेज, एक जरिया. किसके लिए? फॉर नॉट ओनली, कहता है ना सिर्फ रिलीफ एफर्ट के लिए बट आल्सो फॉर कैरिंग आउट, किसके लिए? केयर करने, कैरी करने के लिए, डिलीवर करने के लिए अवेयरनेस कम्पेन्स को. और पर्पस क्या है इन सब चीज़ों का? प्रिवेंट करना. किस चीज़ को? स्प्रेड को, फैलाव को. फैलाव किस चीज़ का? इन्फेक्शन का. ठीक है, अभी वो बात कर रहा है, ये इसने ऊपर भी ये बात की है लोकल इलेक्टेड बॉडीज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में. वो कह रहा है कि ये वो बॉडीज़ हों जो कि एम्पावर्ड हों और प्रॉपरली फंडेड हों, तो ये क्या कर सकती हैं? ये ना सिर्फ रिलीफ एफर्ट्स प्रोवाइड कर सकती हैं बल्कि एक अवेयरनेस कैंपेन्स भी चला सकती हैं, एक अच्छा मैसेज प्रोवाइड कर सकती हैं इस रोकथाम में. इंस्टेड, बजाय, देयर आर नो लोकल गवर्नमेंट्स इन पंजाब. वो कह रहा है बजाय किसके? देयर आर, वहाँ हैं कोई भी लोकल गवर्नमेंट्स पंजाब और खैबर पख्तूना बलोचिस्तान में नहीं है एट प्रेजेंट, अब फिलहाल. मीन वाइल इन सिंध, इसी दौरान सिंध में क्या हुआ? पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने थ्रू ए लेजिस्लेटिव एक्शन, कानूनी एक्शन के जरिए, हैज़ अब्रिज एंड डाइल्यूटेड. वो एब्रिज भी कर चुका है और डाइल्यूट भी कर चुका है. इसका मतलब क्या होता है? शॉर्टन करना, कम करना, नैरो करना. किस चीज़ को? थर्ड टायर गवर्नेंस को. टू मीनिंगलेस टोकनिज़म, जो थर्ड टायर गवर्नेंस थी उसको कहाँ पे वो ख़त्म कर चुका है? मीनिंगलेस टोकनिज़म. टोकनिज़म का मतलब होता है खोखली बातें. ठीक है, ये उस जगह पे लाकर उसको ख़त्म कर चुका है. वन कैन ओनली होप, एक जो है वो सिर्फ कोई वगैरह उम्मीद कर सकता है. दिस अनप्रेसिडेंटेड एमरजेंसी, ऐसी एमरजेंसी जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, जो कि बेमिसाल है, ऐसी एमरजेंसी पहले कभी नहीं हुई. विल हर्ल्ट, वो क्या करेगी? हर्ल्ट करेगी, एक मैसेज को लाएगी. इसका मतलब होता है ब्रिंग मैसेज, डिक्लेयर करना, पब्लिसाइज करना. किसको? एक तब्दीली को. ठीक है, किस में ये चेंज आएगा? इन अप्रोच, एक नुक्ता नज़र में, एक अप्रोच में, एक मेथड में.